तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 39 दिन कंप्लीट करके या 40वें दिन में सॉलिड एंट्री मार ली है और आज से है वर्किंग डे स्टार्ट और यहां से कमाई और भी ज़्यादा स्लो देखने को मिलेगी। लेकिन नेशनल सिनेमा डे सैटरडे, खैर सैटरडे में तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच पड़ गया, इस वजह से थोड़ा कमाई स्लो रही, लेकिन फिर भी जितना इसका पोटेंशियल है, जितना इसका हक बनता है, उतनी कमाई ये ले आई। और वैसे भी ये मूवी अभी तक इतनी कमाई कर चुकी है कि अब इसको अगर स्लो ग्रोथ भी आती है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा कलेक्शन अगर आते रहेगा वो तब भी ये मूवी ज़बरदस्त कलेक्शन कर जाएगी। लेकिन कल संडे में भी उम्मीद जताई जा रही थी कि अच्छी खासी ग्रोथ आएगी, लेकिन कल संडे भी ऐसा रहा। अक्सर ऐसा होता है कि सैटरडे को हाई ग्रोथ जाती है, पर संडे को इवनिंग और नाइट में काफ़ी शोज गिर जाते हैं, क्योंकि आज मंडे वर्किंग डे है, इस वजह से इवनिंग और नाइट में क्राउड कम ही देखने को मिलता है। तो अभी बात करेंगे जवान ने कल कितनी कमाई करी, आज कैसी ग्रोथ चल रही है और टोटल कमाई ये कितना कर सकती है, और कल की दिन कैसी ग्रोथ रही, कैसी ऑक्यूपेंसी रही, कैसी कमाई रही, सब बातों पर डिटेल टू डिटेल एक एक कर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में मात्र 300 करोड़ के टोटल खर्चे पर जवान मूवी को कंप्लीट कराया गया है, जिसके मल्टीपल रोल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे और मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे। सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग, स्टोरी लाइन कॉन्टेंट इज सुपर अमेजिंग। तो साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का देखने को मिलेगा और वही जबरदस्त भी लगा। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यस, जबरदस्त तरीके से कलेक्शन रही है। पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट करते हुए सिर्फ हिंदी से 327 करोड़ कमाए थे। फर्स्ट वीक में नेट इंडियन कलेक्शन 369 करोड़ हो गया था और पूरी दुनिया से 660 करोड़। पहले 10 ही दिनों में ये मूवी सिर्फ हिंदी से 396 करोड़, नेट इंडियन कलेक्शन 442 और पूरी दुनिया से 812 करोड़ के मार्वलस आंकड़े पर पहुंच गई थी। पहले दो हफ्ता जब मूवी ने कंप्लीट किया तो नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोड़ हो चुका था और फास्टेस्ट नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में, हिंदी बॉलीवुड कलेक्शन के मामले में नंबर वन मूवी बन चुकी थी, जिसने फास्टेस्ट 500 करोड़ सिर्फ नेट इंडियन में कंप्लीट करा था और पहले दो हफ्ते में ही 922 करोड़ के ह्यूज आंकड़े को पहुंच गई थी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, जो वो भी फास्टेस्ट आंकड़ा था। इसी के साथ थर्ड वीक जब मूवी ने कंप्लीट किया तो पहले तो थर्ड वीक का ही कलेक्शन बताऊंगा, सिंगल थर्ड वीक में 55.92 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन आया, वो भी सिर्फ टोटल नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में, और सिर्फ हिंदी से 52 करोड़ ये मूवी कमाते नजर आई थी। जब मूवी ने 31वें दिन में दस्तक दी तो यहाँ पर नेट इंडियन कलेक्शन मूवी का हो चुका था 626 करोड़, ओवरसीज से 376 करोड़, ग्रॉस हो चुका था 741 करोड़ और पूरी दुनिया से 1117 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख चुकी थी। और फास्टेस्ट न कि पहली सेंचुरी कंप्लीट करी, न कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 11 सेंचुरी कंप्लीट कर चुकी थी ये मूवी, मतलब 1100 करोड़ के क्लब में फास्टेस्ट एंट्री मार चुकी थी और 1117 के मार्वलस आंकड़े पर ये मूवी 30 ही या फिर 31 दिन में ही कंप्लीट हो गए थे। लगभग 29 या फिर 30वें दिन में ये मूवी 1100 करोड़ के आंकड़े को कंप्लीट कर लिया था, जबकि पठान अपना लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1050 करोड़ किया था, लेकिन जवान ने पहले उसके रिकॉर्ड को बीट डाउन किया, देन एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया और ज़बरदस्त तरीके से रॉयल एंट्री के साथ, मैं कह रहा हूँ रॉयलिटी के साथ, ज़बरदस्त तरीके से ये 1100 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रखा था। बात करें डे 36 में आती आती ये मूवी कैसी कमाई कर गई थी, हिंदी से ये मूवी पहले 36 ही दिन में 569 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन अपने खाते में रख चुकी थी और नेट इंडियन कलेक्शन 629 करोड़ 63 लाख का हो चुका था, वहीं ग्रॉस कलेक्शन 744 करोड़ 85 लाख हो चुका था, ओवरसीज से 380 करोड़। और भाई साहब, अभी तक पठान के ओवरसीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को ये मूवी बीट डाउन नहीं कर पाई है, क्योंकि पठान का ओवरसीज का कलेक्शन था टोटल लाइफ टाइम 400 करोड़ और अभी भी, मतलब 36वें दिन तक आते आते ये मूवी 20 करोड़ के फासले में थी। और अभी आगे और मैं बताऊंगा, क्योंकि आज 40th दिन है, मतलब 40वां दिन है, तो ये मूवी ओवरसीज से और कितनी कमाई कर चुकी है अभी आगे बताऊंगा। लेकिन 36वें दिन तक ओवरसीज से रहा था 380 करोड़ और पूरी दुनिया से 1125 करोड़ 20 लाख, भाई साहब मार्वलस आंकड़ा कसम से। 1150 करोड़ कंप्लीट करने के लिए मात्र 25 करोड़ बचे थे उस टाइम पर। इसको बात करें 38वें दिन यानी परसों सैटरडे में कैसी ग्रोथ रही, क्योंकि परसों क्या था
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, और इसने न कि सिर्फ जवान की ही धज्जियाँ उड़ाई बल्कि फुकरे थ्री, मिशन रानीगंज, मतलब रनिंग में जो भी मूवी इस टाइम थिएटर में चल रही थी सभी की धज्जियाँ उड़ाई। और भाई साहब क्यों नहीं उड़ाएगी, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ये बार बार हमें नहीं देखने को मिलता है, और यस लोग इसे पसंद भी करते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इस मैच को देखा जाता है, और मैं कह रहा हूँ ना जब भी ये मैच होता है फाइनल लेवल का मैच होता है, और वही चीज़ हमें देखने को मिली, और हमारे भारत की टीम ने क्या सॉलिड धोया यार, मजा आ गया भाई, वो मैच था कसम से। तो मूवी को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलता, मूवी क्या इवन किसी भी काम को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलता है जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है या जब भी इंडिया खेलती है, और ऊपर से ICC वर्ल्ड कप चल रहे हैं, तो वर्ल्ड कप का तो मैच हम इंडिया की टीम का कभी मिस ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं, इस वजह से लोग इसे मिस नहीं करना चाहेंगे, और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। इसी चीज़ की खतरे की घंटी किस पे नज़र आ रही है, टाइगर 3 पर नज़र आ रही है, लेकिन वायर ऑफ इसका अलग तरीके से इस खतरे की घंटी को अपॉर्चुनिटी में बदल रहे हैं, और अच्छा खासा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, वहाँ पर प्रमोशन कर सलमान खान को सिंगल शूट करा के, सलमान खान को वहाँ पर भेज के, और अच्छा खासा प्रमोशन मैं कह रहा हूँ टाइगर 3 को देखने वाला है। दूसरी तरफ आज टाइगर 3 का ट्रेलर आने वाला है भाइयों, कब, 12 बजे, तैयार रहना, क्योंकि 12 बजे आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए रिमाइंडर सेट कर दो। आज टाइगर 3 का फाड़ू ट्रेलर आने वाला है, जबरदस्त ट्रेलर आने वाला है। तो बात करते हैं 38वें दिन यानी परसों कैसी ग्रोथ रही है इस मूवी की। तो हिंदी से ये मूवी 576 करोड़ कमा चुकी थी, नेट इंडियन से ये मूवी 636 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन हो चुका था, ग्रॉस कलेक्शन वही हो चुका था। परसों एंड ऑफ द डे तक मतलब 38वें दिन में 752.53 करोड़ रुपए ओवरसीज से आ चुका था, 383.15 करोड़ और पूरी दुनिया से 1135.58 करोड़ रुपए का ह्यूज कलेक्शन हो चुका था। अगर बाय गॉड अगर कह रहा हूँ ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो सैटरडे का जो हॉलीडे था इसका फुल फ़ायदा उठाती ये मूवी और अच्छी खासी कमाई लेकर नज़र आती, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कलेक्शन आते दिखाए। उसके बावजूद फुकरे 3 भी थी और मिशन रानीगंज, ये दोनों मूवी अच्छी खासी लय में चल रही हैं। शुरुआत स्लो थी लेकिन अब ये काफ़ी सोच जवान से खींच चुके हैं। बात करें कल यानी संडे को यानी 39वें दिन कैसी ग्रोथ रही, तो कल कोई मैच नहीं था लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि संडे को इवनिंग और नाइट में ऑक्यूपेंसी गिर जाती है, तो कल भी अच्छी खासी कमाई करते नजर आई। कल आया है हिंदी से 2.25 करोड़, तीनों लैंग्वेज को मिलाकर टोटल 99 कलेक्शन 2.27 करोड़, ह्यूज ग्रोथ मैं फिर से कहूँगा। कल संडे में भी अच्छी खासी ग्रोथ आई क्योंकि सामने फुकरे 3 और मिशन रानीगंज भी चल रही हैं, तो वो बहुत से सोच अपने खाते में ले चुकी हैं और अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। हिंदी से कल हो चुका था 578.25 करोड़ और नेट इंडियन कलेक्शन से 638.67 करोड़ हो चुका था, और ग्रॉस कलेक्शन कल कितना आया था 3 करोड़ का, और पूरी दुनिया से ये मूवी कितना कमा चुकी थी 4 करोड़, मतलब ओवरसीज से कल आया 1 करोड़ का, और पहले 39वें दिन में ग्रॉस कलेक्शन हो चुका था 754.53 करोड़, ओवरसीज से 384.15 करोड़ और पूरी दुनिया से कल 39वें दिन में ये मूवी 1139.58 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख चुकी थी, 1140 करोड़ ही मानो, क्योंकि आज मूवी 1140 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को क्रॉस कर जाएगी और 1150.5 करोड़ कंप्लीट करने के लिए मात्र इसे 9 करोड़ का ही आंकड़ा बचेगा। आज एंड ऑफ द डे कलेक्शन की बात करते हैं, पहले तो बात करें आज यानी 40वें दिन यानी आज मंडे है और आज नवरात्रि शुरू हो चुकी, आज क्या कल से ही शुरू हो चुकी थी, आज नवरात्रि का सेकेंड डे है, तो आज भी वर्किंग डे है, तो आज खासकर कमाई अब स्लो होते नज़र आएगी क्योंकि सामने फुकरे 3 भी चल रही है, मिशन रानीगंज भी चल रही है, तो ऑटोमेटिकली थ्योरेटिकली नहीं है, इट्स हार्श रियलिटी की मूवी की कमाई और ग्रोथ अब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो आज है 8-9% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी और सिर्फ हिंदी से ये मूवी 98 लाख कमाती दिख रही है, जिसमें से नेट इंडियन कलेक्शन 1 करोड़ आता दिख रहा है और पूरी दुनिया से 2 करोड़। तो आज एंड ऑफ द डे तक सिर्फ हिंदी से ये मूवी 579.23 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रखेगी और आज पहले 40 दिन में आज एंड ऑफ द डे तक नेट इंडियन कलेक्शन 639.67 करोड़ हो चुका होगा, पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 1141.58 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख लेगी। मात्र 9 करोड़ बचते हैं या फिर 8 करोड़ बचते हैं इस मूवी को 1150 करोड़ कंप्लीट होने में, और अब चाहे गणपत आ जाए चाहे लियो आ जाए, लेकिन यह मूवी 1150 करोड़ इजीली टच कर जाएगी। सिर्फ हिंदी से 580 करोड़ में आज ये मूवी एंट्री मार लेगी, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये मूवी बहुत
टफ तो नहीं कहूँगा, इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल बहुत है कि 600 करोड़ ये मूवी टच कर जाए। मे बी 590 करोड़ में आके टिक जाएगी ये मूवी, लेकिन हु नोज, किस्मत अच्छी रही तो 600 करोड़ भी हिंदी से ये मूवी कंप्लीट कर जाएगी। तो आपकी क्या राय है, क्या ये मूवी जल्द ही 1150 करोड़ कंप्लीट कर जाएगी, हिंदी से 600 करोड़ कंप्लीट कर जाएगी और नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में 650 करोड़? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।